हाँ तो नेचर्स लवर्स, आज हम आपको तुलसी के बारे में बताएंगे। तुलसी एक पूजनीय पौधा है, मेडिसिनल पौधा है। तो जो हमने वीडियो पहले डाली है उसमें तो तुलसी एक ऐसा पौधा है जो पूरे भारत में, क्या पूरे एशिया में अधिकतर लोग अपने घरों में लगाते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है। लेकिन समस्या ये है कि सर्दियों में ये पौधा मर जाता है। अक्सर लोगों की ये शिकायतें आई हैं कि जी हमारी तुलसी जो है वो मर जाती है और वो ठीक से नहीं रह पाती है। तो उसका मेन कारण क्या है वो हम आपको बताएं कि लोग बाग तुलसी लगा तो देते हैं और उसमें जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो ज़्यादा तुलसी के प्रति उनकी आसक्ति होती है और वो रोज उसे पानी देने लगते हैं। जबकि सर्दी में क्या होता है कि पौधे पानी कम चाहते हैं, धूप कम होती है तो इवेपोरेशन कम होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जिसके कारण पौधों से पानी जो है वो कम उड़ता है। लेकिन जो सुबह सुबह लोग बाग उसको पानी देते हैं तो वो क्या काम करते हैं, उसे रोज पानी देते हैं, जबकि पानी की जरूरत ही नहीं है उस वक्त। इसलिए तुलसी मर जाती है, क्योंकि जब पानी की जरूरत नहीं है, हम पानी डालते जाएंगे तो उसकी जो रूट है, जड़ें हैं, वो जो है खराब हो जाती है, रोट हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती हैं। इसलिए जब रूट ही नहीं बचेगी तो पौधा कहाँ से जिंदा बचेगा। तो इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है कि पौधे को पानी तो दें, लेकिन उस वक्त दें जब तुलसी के पौधे की मिट्टी सूखी सी नजर आए, तब दें आप पानी उसे, अन्यथा पानी ना दें। जब सूखी सी मिट्टी, अब आप देख रहे हैं पूरी सर्दी का मौसम पार हो गया है, लेकिन आपको तुलसी के जो पौधा हमने लगाया है, तुलसी के पौधे जो हैं, एक ये है, एक वो दूसरा भी लगा है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसका कोई पत्ता शेड नहीं हुआ, दो चार पत्ते ही शेड हुए हैं, दो चार पत्ते ही गिरे हैं, बाकी सारे पत्ते इसके ऊपर वैसे ही लगे हुए हैं। हमने ऊपर से भी कटिंग नहीं की है इसकी। लोग बाग कहते हैं कि जी जब फ्लावरिंग आए तो उसको तोड़ के अलग डाल देना चाहिए ताकि पौधा जो है मजबूत बना रहे, वो बात सही है। लेकिन हमने इसके इसलिए नहीं तोड़े कि हम दिखाना चाहते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं भी तोड़ेंगे तब भी पौधा जो है वो मरेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बीज भी आ रहे। तो इसके बीज आने से एक बेनिफिट और है कि जब ये गर्मी का सीजन पार हो जाएगा तो ये सीड अपने आप ही जर्मिनेट हो जाएंगे और आपके यहाँ तुलसी के बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये नहीं तोड़े हैं। हमारे यहाँ पर तुलसी ऐसे ही ग्रो हो जाती है, अपने आप उगाती है, वो इसी का कारण है कि ये सीड जब नीचे साइड हो जाएंगे, ये इसके सीड हैं, आप देख रहे हैं ये सीड है, ये जब सीड, ये बारीक बारीक ये सीड है, तो जब ये नीचे जमीन में जाएंगे तो ये अपने आप जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल सिस्टम है कि जो सीड जिस प्रकृति का है, जिस मौसम का है, वो उसी मौसम में जर्मिनेट होता है। तब तक सीड ऐसे ही पड़ा रहता है। मोस्टली जो नेचुरल प्लांट जर्मिनेट होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं, क्योंकि उसे उतना टेम्परेचर और उतने ह्यूमिडिटी चाहिए, वो और सोयल उस तरह की चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये अपने टाइम पर जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा पानी ना दें। कुछ लोग तो हमने ऐसा भी देखा है कि पानी में वो शुगर उसमें घोलते हैं, वो शुगर घोलने के बाद तुलसी को पानी देते हैं, फिर हाथ जोड़ते, ठीक है वो बात सारी सही है, लेकिन उसमें एक तो चीनी या शुगर ना डालें उसमें, और दूसरी बात तब पानी दें जब पानी की जरूरत हो। आप अगर रोज़ पानी दे रहे हैं तो जैसे यहाँ आपको पानी यहाँ ना डालें, तुलसी को जब आप पानी दें तो मान लिया आप सर्दियों में पानी दे रहे हैं तो गमले में उसे ना रखें। एक तो पहली बात, उसे मिट्टी में, सोयल में कहीं लगाएं, ज़मीन में थोड़ी सी, जहां आपका घर है वहां थोड़ी सी जगह आप बना के रखें, करीब एक डेढ़ फीट की, जिसमें आप पौधा लगा सकें। तो इसलिए, क्योंकि गमले में जब पानी देते हैं तो एक तो बात ये, उसका गमले में मिट्टी कम है, दूसरे उसमें पानी आपने एक लोटा डाल दिया, तो उससे क्या होगा, वो पानी उसमें रहेगा, उसकी जड़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। इसलिए या तो पानी वहाँ ना दें, अलग दें आप उससे, फिर उसके बाद जो है
उसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या काम करते हैं उसी में डालते हैं। और इसको पानी जब रोज देना है तो आप गर्मियों के सीजन में रोज दें, जब गर्मी का मौसम आता है उस वक्त पौधे ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं, पानी की ज़्यादा खपत होती है, पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तब आप उसको पानी दें डेली, रोजाना पानी दें, और बरसात में भी इतना पानी ना दें। तो पानी अलग डालिए। अब ये तो हुआ कि तुलसी को हम कैसे जिंदा रखें, क्योंकि तुलसी जो है लोगों की ये समस्या है कि तुलसी जिंदा नहीं रह पाती है। दूसरी बात, अब जैसे सीजन अब ये पार हो जा रहा है, अब ये मैं बता रहा हूँ ये फरवरी पार होने वाला है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, अब इसमें नई फूटे आ जाएगी, दूसरी जो ब्रांच वो है बर्ड्स, वेजिटेटिव बर्ड्स जो है वो स्प्राउट होने लगी हैं और वो दूसरी आने लग गई, ये आने लग रही है, दूसरी नई आएंगी, तो अब इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा जो है पौधा बन के आएगा। अब रहा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात, जो इसको औषधीय गुण क्या है, क्यों हम तुलसी को पूजा करते हैं या क्यों तुलसी को घर में लगाते हैं। पहली बात, क्योंकि तुलसी गमले में हो जाता है, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता, हर्बेसियस पौधा है और ज़्यादा से ज़्यादा श्रबी हो जाता है। दूसरी बात, इसकी जो है ये पत्तियाँ बहुत यूज में आती हैं, तो इसमें जो प्लांट है इसको बॉटनिकली इसे बोलते हैं ओसिमम सैंक्टम, होली तुलसी भी कहते हैं, पवित्र तुलसी भी कहते हैं। तो इसके जो पत्तियां हैं उसका यूज होता है। पहली बात तो ये कि आप जब भी इसका प्रयोग करें तो उस पत्ती को आप चाय में डाल के, लोग बाग अक्सर लेते हैं तो उसे चाय में ऐसे ना डालें। चाय में डालने से क्या होता है कि इसके अंदर कुछ मरकरी का भी समस्या, मरकरी भी होता है, तो उससे क्या होता है कि जो आपके टीथ हैं उसको गड़बड़ करता है, ये टीथ खराब हो जाते हैं, उससे दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए उस पत्ती को आप लेकर के, तोड़ करके आप जब चाय पिएं तो पत्ती को ऐसे तोड़ लें आप, जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती आपने ले ली, तो दो या तीन या चार पत्ती आप लें, ये पत्ती आपने ली, इस पत्ती को आप ऐसे फोल्ड कर लें, मोड़ लें, इसे इसी गोली की तरह बना लें, फिर उसको जीभ के अंदर, जीभ के जहाँ से जीभ शुरू हुई है वहाँ पर रखें, वो चाय का घूंट, एक चाय का सिप लें और उसे सटक जाएं, तो उसके 100% जो बेनिफिट हैं, जो फायदे हैं, वो आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरी तरकीब ये है कि इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं आप, दूध के साथ भी ले सकते हैं, इसको आप अंदर रखिए और इसे सटक जाइए, तो उससे जो है आपको 100% लाभ मिलेगा। नंबर एक बात। नंबर दो ये है कि अगर किसी को सर्दी, जुकाम या खांसी हुई है, तब भी आप इसे दिन में 3 बार लें। जब दिन में 3 बार लेंगे तो उससे आपके 2 या 3 दिन में वो समस्या दूर हो जाएगी। मान लिया सर्दी लगी है आपको या जुकाम हो गया है, तो 3 बार अगर उसको दिन में 3 दिन तक लेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। उससे अलग, अगर किसी को सर दर्द है तो सुबह सुबह आप उठ करके जब सनराइज हो रहा हो, सूरज निकल रहा हो, जैसे इस वक्त अब मैं बैठा हूँ, सामने सूर्य है, तो उस वक्त क्या करेंगे आप, ये पत्ती ऐसे लेके, और जिसके पूरे सिर में दर्द है उसके लिए भी, और जिसके आधे सिर में दर्द होता है, कभी कभी आधे पार्ट में होता है तो उसे बड़ी समस्या होती है, जैसे जैसे सनराइज होता है उसका सिर दर्द बढ़ता चल जाता है, तो उस समय आप क्या करेंगे, सुबह सुबह उठ के इसकी पत्ती ऐसे लें, इसे थोड़ा सा ब्रूज करें, मसलें इसे थोड़ा सा, उसके बाद इसे सूंघें, करीब ऐसे आप 2-3 बार करें, मतलब ये पत्ती खराब हो गई तो दूसरी पत्ती लेके सूंघें, तो ऐसा 10-12 दिन आप करेंगे तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। उससे अलग, आपको अगर कब्ज है तो उसको भी दूर करेगा। तीसरी बात, अगर बुखार है तो बुखार में भी इसको आप लें। बुखार में क्या करेंगे आप, ये पत्तियां लेंगे, 4 या 5 पत्तियां लेंगे, कोई सा भी बुखार हो, कोई सा भी, 4 या 5 पत्ती इसकी तुलसी की लेंगे और 4-5 पत्ती आप गिलोय की लेंगे, और उसकी गिलोय की पत्ती ले लें या उसकी इतनी बड़ी स्टिक ले लें, उसकी डंडी ले लें, और 4-5 पत्ती आप नीम की ले लें और 1 या 2 काली मिर्च, इनको पीस करके और पानी में घोल करके आप ऐसे ही ले सकते हैं।
तो उससे आपकी जो बुखार है वो भी ख़त्म हो जाएगा और शरीर में अकड़न है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कब्ज भी ख़त्म हो जाएगी, अगर आपको कब्ज है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको थकान है तो थकान भी दूर हो जाएगी और आपकी प्लेटलेट्स भी बढ़ेंगी। जो प्लेटलेट्स किसी की कम हो जाती हैं, जब बीमार होते हैं लोग बाग तो अक्सर प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर जाती हैं, तो उसकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। तब आप जो है इस तुलसी को लें और जो है वो प्लेटलेट्स बढ़ेंगी, आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। दूसरी बात है तुलसी का ये ज़रूर ध्यान रखें कि कब पानी देना है। आप सोचिए अगर आपको प्यास ना लगी हो और आपको पानी पिलाए जाएँ तो क्या होगा, आप परेशान होंगे, आपको दूसरी व्याधि हो जाएंगी, दूसरी बीमारियां हो जाएंगी और आप जो फिर ना खाना खा पाएंगे ना सही से रह पाएंगे। तो कोई भी चीज़ किसी को अगर खिलानी है या पिलानी है तो उसे एक लिमिट में दें। अब जैसे तुलसी को मान लिया आप खाद ही डालने लगें तो खाद अगर बहुत सारा इसके उसमें जड़ में खाद डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो वार्म अप वो हो जाएगी सॉइल भी और प्लांट के पार्ट जो हैं उससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए खाद भी उतना ही डालें जितनी ज़रूरत है इसके। अगर आप फर्टिलाइज़र जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है या ये गार्बेज वगैरह से कहीं ये उसका लेके आ रहे हैं आप, जो डंग होता है डंकेक होती है उसको आप डालते और पानी डालते हैं तो उसमें आधा या एक डंकेक जो है वो कम से कम 6 महीने के लिए बहुत है। ये नहीं कि आप बार बार खाद डालें। अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया केवल सर्दियों में डालें, उसके 5-6 दाने काफ़ी हैं। ये नहीं कि आप जो है उसे ऐसे ही डाल दें, उसे पानी में घोल के डालें तो उससे आपकी तुलसी बची रहेगी। अब जब तुलसी जब पेरेनियल हो जाती है, ये अगर इस तरह से आप रखेंगे तो ये हमेशा रहेगी, तो उसके बाद क्या होगा, इसकी जो ये ब्रांचेज हैं ये मोटी हो जाएंगी। तब आप इन्हें छोटी छोटी काट के इनमें छेद करके माला बना सकते हैं। 108 उसमें माला के वो दाने से बनाइए और उसे गले में पहनिए तो उससे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ये तुलसी के फायदे हैं। और अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है, उनकी तुलसी अगर फिर भी नहीं जिंदा बच पा रही है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें तो कमेंट दें तो ताकि मैं उसे उसकी समस्या का सॉल्यूशन हल उसे बता सकूं। तो ये तुलसी के बारे में थे। ऐसे ही इसके बीज हैं, बीज को इकट्ठा कर लें, बीज भी इसी तरह ली जाती है। और इसकी ब्रांच जब आप काटेंगे, ये वाली ब्रांच जब काटेंगे तो इन्हें फेंके ना, इन्हें छाया में सुखा लें, सुखाने के बाद इन्हें पीस लें, पीस के उसका पाउडर बन जाएगा। तो जब ये तुलसी आपके पास ना हो, कहीं आप बाहर हैं, तो उस पाउडर को आप आधा चम्मच ले सकते हैं पानी दूध या चाय के साथ।